फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑलराउंडर चैनल। मैं आपकी फ्रेंड लक्ष्मी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आती है तो शेयर, लाइक, कमेंट करें। और अगर आप चाहते हैं कि नया नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो उसके लिए बेल आइकन को टाइम करके दबा दीजिए। तो चलिए, आज मैं आपको नींबू के एक बड़ा जल्दी बनता है वैसा एक छोटा सा अचार ही बोलेंगे हम उसे, मैं बनाना बता रही हूँ। उसे खाइएगा, बहुत अच्छा लगता है और फ़ायदा बहुत करता है और सामान भी उसमें बहुत कम लगता है। तो चलिए हम देख लेते हैं। नींबू को इस तरीके से आप काट लीजिए और काटने के बाद उन नींबू को आपको ऐसा थोड़ा थोड़ा दबा देना है, इस तरीके से ऐसे दबाते जाइए। तो देखिए, आपको ये रस भी मिल जाएगा। और अब ये नींबू के टुकड़े हमें यहाँ पर मिल चुके हैं। इसमें हम डालेंगे कुछ लहसुन, क्योंकि लहसुन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और ये बड़े हेल्दी चीज़ बता रही हूँ। तो ये लहसुन डाल दिया हमने। और इसमें अब हम डालेंगे, देखिए ये है अदरक, जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है, ये अदरक। और मिर्च हम बहुत पसंद करते हैं, तो अगर आप चाहते हैं आपको जितनी मिर्च डालनी है आप डालिए, रोज़ दो मिर्च तीन मिर्च खाइए, देखिए इतना बढ़िया लगेगा। ये मैंने इसमें हरी मिर्च भी डाल दी है। अब हम इसमें डालेंगे नमक, और अब डालेंगे थोड़ा सा, ये है हल्का सा अजवाइन, ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ी अजवाइन डाल दीजिए। और अब यहाँ पर हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें होगा बिल्कुल ज़रा सी हल्दी, हाँ पिसी मिर्च आप चाहें तो थोड़ी सी अपने हिसाब से डालिए, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, पर मैं इसे डाल रही हूँ। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये मैंने उसको अच्छे से ऐसे देखिए मिक्स कर लिया है। नमक हमें अचार में आपको पता ही है कि थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, तो हमने इसमें डाल दिया है। अब हमें इसे एक ऐसा जार लेना है, सुखा लीजिए धो के अच्छे से कांच का। अब हम ये सारा अचार इसमें भर देंगे। ये देखिए मैंने इसको वैसा पूरा भर दिया है। और अब हम इससे इसका ढक्कन बंद कर देते हैं अच्छे से। अब ये हो गया है, अब हमें इसे ऐसा बस थोड़ा सा हिलाना है। ये काम आपको करीब रोज़ ही करना होगा, एक दो बार आप कर दीजिए, किचन में सामने रखे रहिए, बस थोड़ा सा ऐसा हिला दें, ऐसे ऐसे हिला देंगे, ये पूरा ऊपर तक भरा हुआ है। अगर आपके पास नींबू का रस ज़्यादा है और आप डाल सकती हैं तो ये देखिए अभी इसमें इतना आपको यहाँ तक दिख रहा है। अगर आप इसको नींबू से ही पूरा भर सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर ज़्यादा नींबू हो तो आप इसे कर लीजिए। एक तरीका और है, नींबू को हमने अभी ज़रा सा निचोड़ा है, आप चाहें तो उसको पूरा निचोड़ सकती हैं और फिर उसमें रस ज़्यादा हो जाएगा और फिर उन छिलकों को उसी में डाल दीजिए, तो ये ऐसे गलने लगेंगे। इसको गलने में तकरीबन 10 दिन लगेगा, उसके पहले भी गल जाते हैं, खाने लायक हो जाते हैं, लेकिन आप पूरी अच्छे तरीके से चाहती हैं कि गल जाए तो इसको आपको 10 दिन रखना पड़ेगा। उसके बाद आप इसे निकालिए, रोज़ खाने के साथ दो लहसुन, एक अदरक, एक मिर्च या दो मिर्च आप ऐसा खा सकती हैं। ये बहुत फ़ायदा करता है और बड़ा अच्छा लगता है खाने में। और देखिए हमें इसमें बनाने में कोई ज़्यादा चीज़ें भी नहीं लगी, तो ऐसे ज़रूर बनाएं। और अगर पसंद आए मुझे आपको कमेंट करना होगा। थैंक यू दोस्तों, जय श्री हरी।